रोने की आदत ही नहीं भाई, हमें अपने पे भरोसा है, हम अपने पे भरोसा, हम जीते हम हारे, हमें अपने पे भरोसा है, हम अपने पे भरोसा, हम जीते हम हारे। तो फुकरा इंसान को उनकी इस क्लिप की वजह से एलवी यादव के फैंस फिर से ट्रोल करने लगे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि कल फुकरा इंसान और एलवी यादव की टीम के बीच में ECL का क्रिकेट मैच था जो कि एलवी यादव की टीम जीत गई। एंड आप सभी को ये भी पता होगा कि एलवी यादव ने कुछ दिनों पहले अपने व्लॉग में फुकरा इंसान को इनडायरेक्टली ये कहा था कि ECL एंटरटेनमेंट के लिए है लेकिन कुछ लोग उसमें प्रोफेशनल प्लेयर ला रहे हैं जो कि हमारे लिए अनफेयर है। तो इसी चीज को लेकर फुकरा इंसान ने अपने टीम मेट के व्लॉग में एलवी यादव को रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहा। सबको इक्वल टाइम मिला टीम बनाने का, बिल्कुल ठीक है, सबकी ये रूल सेम है, सबके लिए ये रूल है कि भाई तीन कंटेंट क्रिएटर्स क्रिकेट वाले होंगे, बिल्कुल सही, बाकी सारे हमारे वो होंगे नॉर्मल कंटेंट, उसके बाद हमारे सारे प्रोफेशनल बाहर कर दिए, हमारी टीम से 8 बंदे बाहर कर दिए, हमने कभी रोए, बिल्कुल कभी रोने की आदत ही नहीं भाई, हमें अपने पे भरोसा है, हम अपने पे भरोसा, हम जीते हम हारे, हम रोते नहीं बुलाते, हम ये कहेंगे भाई हम कभी रोने वाली आदत, विन एज अ टीम लूज एज अ टीम, बस एक्सेप्ट करो यार भाई, सारी टीम है भाई, आपको ये प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अबे स्ट्रॉन्ग क्या भाई, मेहनत करी 2 महीने, स्काउट करी हमने 2 महीने, लेदर से हमने कॉस्को में स्विच करा जो तुम प्रोफेशनल प्रोफेशनल लगे हुए हैं, बट तो फुकरा इंसान के इस रिप्लाई के बाद एलवी यादव के फैंस उन्हें ये बोलकर ट्रोल करने लगे कि तुम्हारी टीम में प्रोफेशनल बंदे होने के बावजूद तुम हार गए, तुम बिग बॉस भी हारे, प्लेग्राउंड भी हारे एंड कल मैच भी हारे, बाकी इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।